माननीय जयंत चौधरी एवं पूर्व सांसद ने बाबूलाल दलित को राष्ट्रीय लोकदल का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। आज सुबह 9 बजे जिला कलेक्टर स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किए। सभी लोगों ने चौधरी सिंह अमर रहे, चौधरी सिंह जीत रहे, अमर रहे जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए। सभी कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर भी दौड़ी। एक दलित को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वहीं उसी के तहत ब्रज मंडल अध्यक्ष चौधरी जगपाल सिंह पूर्व चेयरमैन छाता के मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष बाबूलाल ने कहा कि यह मेरे लिए सम्मान की बात रही, पूरे समाज की बात है। मैं सभी जाति का भेदभाव छोड़कर सबको लेकर पार्टी को मजबूत करूंगा। कुंवर नरेंद्र सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि लोकदल आज सभी जाति धर्मों की पार्टी है। लोकदल मथुरा में जोर शोरों के साथ ब्लॉक स्तर से लेकर वार्ड नंबर 22 शहर नहरों में भी कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। संचालन करते हुए महानगर संयोजक ताराचंद गोस्वामी ने कहा कि आज मथुरा में सही प्रकार से जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। नया जिला अध्यक्ष चुना है, उसमें क्या करना है? सबसे पहले तो मैं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बाबूलाल गांधी को बधाई देता हूँ और प्रांत के अध्यक्ष जगपाल सिंह चेयरमैन बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, चौसाओं का निर्णय एक दलित समाज से लेना पूरे समाज को संदेश देता है। और प्रधान जी तो पहले गांव के प्रधान रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे, जुझारू नेता हैं और सीधे हैं। जो पार्टी में विघटन होते, पार्टी बंदियाँ होती हैं, ऐसा इनके ज़माने में कुछ भी नहीं होना है। सीधे आदमी है, सबसे सामंजस्य बना के चलेंगे और पार्टी को उठाएंगे। और 2022 का चुनाव आने वाला है, उसको देखते हुए जातिगत समीकरण भी इससे हमारे बनेंगे। और प्रधान जी बहुत ही जुझारू हैं और कर्मशील हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वैसे तो ये सामान्य प्रक्रिया है और अपने आप परिवर्तन होते रहते हैं। पोनिया जी 2.5 वर्ष 3 वर्ष रहे, लेकिन मुझे खुशी है, मैंने कल बधाई भी दी जैन जी को कि उन्होंने दलित समाज के एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया, सबसे बड़ी बात। वैसे तो किसानों की पार्टी है लेकिन जाट डोमिनेटिंग माना जाता है। ठाकुर बिरे में स्वयं रहा और बिरे तो एक समरसता के उद्देश्य से उन्होंने बनाया। और हमारे बाबूलाल जी पुराने कार्यकर्ता हैं और बहुत ही सौम्य हैं, रहते हैं और सबको साथ लेंगे। कल भी जैन जी ने यही कहा कि सबको साथ लेकर चलना है, आपको इसलिए बताया। तो मेरा विश्वास है कि संपूर्ण हमारा लोकदल उनमें पूरा विश्वास करेगा। चौधरी चरण सिंह जी की नीति और रीति को आगे लेकर चलेंगे और संगठन में जो कमजोरियाँ थी व्यापक स्तर पर कोऑर्डिनेटर भी बनाए गए हैं, जो कि जाके बूथ के इंचार्जों को बनाएंगे, बूथ के पदाधिकारियों को बनाएंगे और बूथ स्तर तक जाकर संगठन को मजबूत किया जाएगा। तो हमारी शुभकामनाएं और सभी लोग चौधरी चरण सिंह किसानों को खुशिया माल्यार्पण किया और इतवार को प्रेस वार्ता होगी। मैं समझता हूँ सभी लोग इसमें सहयोग देंगे और पुराने परचम फिर से राष्ट्रीय लोकदल मथुरा में लहराएंगे। हमारे बाबूलाल जी को जो जिलाध्यक्ष बनाया, सबसे पहले मैं उनको बधाई देते हैं और हाईकमान उन्होंने बड़ा सूझबूझ का काम किया है कि ऐसे नेतृत्व को यहाँ पर जिले में दलित समाज को सम्मान दिया है। क्योंकि लोग कहते हैं एक ही जाति की पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं, उन्होंने साबित कर दिया है ये एक पार्टी की नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग मिल करके अपने मतभेदों को भुला करके जो आगामी 22 का चुनाव आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कल परसों गया है, एकदम ईंट के ईंट से वह बता देनी चाहिए। और निश्चित रूप से इस भ्रष्ट सरकार को इस उत्तर प्रदेश में उखाड़ के फेंकना चाहिए। आपको क्या कहना चाहेंगे और 2022 का चुनाव? सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिम्मेवारी भी है, मैं रेडी हूँ साथ में, जिम्मेवारी भी है समतामूलक समाज की स्थापना के लिए। और 2022 में जो चुनाव आने वाला है उसकी बूथ लेवल तक हम अपने पहुँचेंगे और कार्यकर्ता बना के अपने पार्टी की तरफ ले जाएंगे और सभी दलों के
से सामंजस्य बनाएंगे, तो हमारा हाईकमान का आदेश होगा, जो किसी प्रकार का गठबंधन किसी के साथ होगा तो साथ लेके चलेंगे। बाकी हमारे जिले के जितने भी सम्मानित नेता पदाधिकारी हैं वो उनको सबको साथ लेके एक ऐसी स्थापना करने की कोशिश करूँगा कि एक अच्छा संदेश समाज में भी जाए, अच्छा संदेश जिले में जाए और अच्छा संदेश हमारे हाईकमान को भी जाए। तो उन्होंने जो जिम्मेवारी मेरे को समर्पित की है, मैं कोशिश करूँगा कि उस जिम्मेवारी पर खराब करने की।